नमस्कार दोस्तों, आज हम सब हिंदू धर्म में जो विज्ञान है उस पर चर्चा आरंभ करते हैं। हमें बताया जाता है कि डार्विन जो है उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लिखा, तो डार्विन के द्वारा जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसमें बताया गया कि सबसे पहला जीव जो है वो जल से यानी कि वाटर से ओरिजिनेट हुआ, तो वो पहला एक्वेटिक एनिमल या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म था जिसने कि इस सृष्टि की रचना की शुरुआत करी। और फिर उसके बाद में ऐसे जीव जो हैं वो उत्पन्न हुए जो कि जल और थल यानी वाटर और लैंड दोनों पर ही आराम से विचरण कर सकते थे। ऐसे जानवरों को या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने एम्फीबियन कहा। और फिर उसके बाद में टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इस तरह की स्पीसीज जो हैं जो कि पूर्णतः थल पर रहने वाली थी उनका उत्पत्ति उनकी उत्पत्ति हुई। तो यदि हम देखें तो हमारे पास में जो डार्विन से भी पहले का हमारा एक शास्त्र है जिसमें कि हम ये चर्चा करते हैं कि विष्णु के अवतारों के बारे में, सर्वप्रथम हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब हम बात विष्णु ब्रह्मा और महेश की करते हैं तो हम उस वक्त बात किन की कर रहे हैं। ब्रह्मा इज द अनदर नेम ऑफ क्रिएशन। किसी भी चीज की उत्पत्ति यदि होती है तो उसको ब्रह्म या ब्रह्मा का नाम दिया गया, ऐसा हमारे यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ। उसी प्रकार हमारे यहाँ पर विष्णु यानी सस्टेनर जो कि सस्टेनेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनका हमारे यहाँ पर चर्चा की जाती है, और महेश यानी शिवा जो है वो एज ए डिस्ट्रॉयर या एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में जाने जाते हैं। तो यदि हम विष्णु पुराण की बात करते हैं तो विष्णु पुराण में जो विष्णु का यानी सस्टेनेबिलिटी का जो सबसे पहला अवतार है वह मत्स्य अवतार है, यानी द लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्वेटिक एनवायरनमेंट। उसके बाद दूसरा जो अवतार है वो कछुए का है, यानी कि एक एम्फीबियन एनिमल है, यानी जहाँ पर कि हमारे शास्त्रों में बताया गया कि आपकी जो लाइफ है वो सबसे पहले जीव की उत्पत्ति जो है वो पानी से होती है और उसके बाद वह जल और थल पर जाता है, और उससे अगला अवतार जो है वो सिंह अवतार यानी प्योर टेरेस्ट्रियल एनिमल है, और वरह या जिसे हम कहेंगे। उसके बाद हमारे पास नरसिंह अवतार है, हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल है, और फिर उसके बाद में राम कृष्णा भगवान बुद्ध जो है ये विभिन्न अवतार हैं जिसमें कि स्पिरिचुअल लेवल पर उनकी एवोल्यूशन होता है और उनका ब्रेन डेवलप होता है। तो ये कहना कतई भी गलत नहीं होगा कि डार्विन की जो उसकी थ्योरी है वो कहीं ना कहीं हमारे विष्णु पुराण से प्रभावित लगती है। उसी प्रकार यदि हम बात करें तो विष्णु के विभिन्न अवतारों में या विभिन्न उनकी मुद्राओं में विष्णु जब अनकॉन्शियस स्टेट में है, अनकॉन्शियस स्टेट में यानी जब वो योग निद्रा में है और उस वक्त वो कुछ नहीं सोचते हैं, वो किसी तरह का कोई सपना नहीं लेते हैं, वो एक ऐसी निद्रा में है जो कि बिल्कुल कंप्लीटली कॉन्शियसलेस है। ऐसी अवस्था में जो उनका सर्पेंट है जिस पर कि वो सोए हुए हैं उसका नाम है शेष, जैसे हम शेष नाग के नाम से जानते हैं, और शेष का अर्थ जो है वो होता है आपके पास में जीरो, द थिंग्स विच लेफ्ट, वो चीजें जो कि रह गई हैं। तो शेष जो है वो जीरो को, यानी अगर आप ब्रह्मांड को शुरुआती तौर पर देखते हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो जीरो या नथिंग से होती है, एंड देयर इज नथिंग, फ्रॉम देयर समथिंग क्रिएटेड एंड दैट समथिंग क्रिएट एवरीथिंग। तो विष्णु की वो अवस्था जो है वो जीरो यानी शेष से शुरू होती है। उसके बाद में जब विष्णु कॉन्शियस स्टेट में आते हैं जहाँ पर कि वो विभिन्न प्रकार की सारी ये चीज़ें जो आज हो रही हैं इस तरह के उसमें रूप में हैं, तो उस वक्त वो सिटिंग पोस्चर में आते हैं, और जब वो सिटिंग पोस्चर में आते हैं तो उस वक्त जो सर्पेंट है उसका नाम है आदि नाग, एंड आदि जैसे आप आदि मानव है आदिकाल है,
आदि इज द बिगनिंग ऑफ द एरा। सो जो आप जिस युग में जी रहे हैं, जिस वक्त की कॉन्शियस स्टेट है, उस कॉन्शियस स्टेट को हमने जो है वो जब देखा तो उस वक्त के सर्पेंट यानी जिस पर कि विष्णु विद्यमान है और वो सिटिंग पोस्चर में है, वो आदिकाल या आदि को रिजेम्बलेंस करता है। सिमिलरली जब विष्णु अपने उस अवस्था में जिसमें कि वो वार्तालाप कर रहे हैं, ही इज इन कन्वर्सेशन विद लक्ष्मी ब्रह्मा एंड नारदा एंड एवरीबडी, उस वक्त जिस नाग पर वो बैठे हैं उस नाग का नाम है अनंत। तो आपके पास में अनंत का अर्थ होता है इन्फिनिटी। तो आप किसी भी यूनिवर्स के स्टार्टिंग जो है वो जीरो से करके और उसे आप इन्फिनिटी तक लेकर के जाते हो, विच इज द स्टेट ऑफ अवेकनिंग। इन्फिनिटी इज दैट वेयर वी वेयर आपका दिमाग जो है वो पूरी तरह से एक अवेकन स्टेट में आ जाता है, एक इनलाइटमेंट स्टेट में आ जाता है। तो इस तरह की अवस्था को हमारे यहाँ पर हिंदू में धर्म में या हिंदू कल्चर में बताया गया। मैं आप सबसे समय समय पर हिंदू एक विज्ञान, हिंदुइज्म एक विज्ञान या हिंदुइज्म एज ए साइंस, इस पर चर्चा करता रहूँगा। और हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में जो भी साइंटिफिक बातें या वैज्ञानिक तत्व हमारे या तथ्य वहाँ पर छिपे हुए हैं, उनको मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।